नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय बिहार। मेरा नाम है विकास कुमार। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का ये रन्नूचक पंचायत है और नवटोलिया गांव पड़ता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ युवा हैं और ये गांव के, नवटोलिया गांव के, और ये दुकान पर आए हुए हैं। कुछ दुकान पर लोग हैं इस पंचायत के, जो है रन्नूचक पंचायत के। और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं, क्या उनकी कार्यशैली रही है, क्या उनके काम से लोग खुश हैं। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी जो है चर्चा में है। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, पहले तो बात कर लेते हैं। आप तो बेरोजगार नहीं है ना? नहीं, बोलिए सर। बेरोजगार अभी जो है पूरा मुद्दा चला है बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी जो है बढ़ गई है, और वास्तव में बेरोजगारी भी है, लेकिन आपका तो ये रोजगार है, आप बेरोजगार नहीं है ना? रोजगार तो है, बस लॉकडाउन में चल रहा है। लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम लोग इस धंधे को लेकर बैठ गए, नहीं तो हम चलिए धंधा तो कर रहे हैं, बेरोजगार बेरोजगार तो नहीं है। हाँ, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का जो नाथनगर के विधायक हैं वर्तमान के जो हैं, वो लक्ष्मीकांत मंडल जी हैं। और लक्ष्मीकांत मंडल जी का क्या कार्य रहा है, जो उनका अभी तक का काम रहा है, उनसे खुश हैं? लक्ष्मीकांत मंडल तो हमारे गाँव कभी एक बार हुलकने के लिए भी ना आया, ये कौन विधायक है, ठीक है, जो कि हम लोग का अस्थायी निवासी पास का ही पड़ता है। एक बार देखने के लिए भी नहीं, क्या जनता को चाहिए या ना चाहिए। तो क्या लगता है, इस बार बदला जाएगा या फिर मौका दिया जाएगा लक्ष्मीकांत? नहीं नहीं, बदला जाएगा, बदला जाएगा। हाँ, कैसे प्रत्याशियों को इस बार मौका दिया जाएगा? आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है अमर कुशवाहा जी हैं लोजपा से हैं, और सिद्दकी जी हैं राजद से हैं, जदयू से वर्तमान विधायक लक्ष्मीकांत जी हैं, और एक बसपा से जो है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक जी हैं। तो क्या लगता है कैसे प्रत्याशियों को इस बार चुना जाए? हम लोग को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र में कार्य करे, विकास करे, वो किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं पड़ता है, बस काम करने वाला व्यक्ति चाहिए हमारे क्षेत्र में। काम करने वाला, काम करने वाला, नहीं मुझे बीजेपी चाहिए, ना राजद चाहिए, ना जदयू चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, वैसे व्यक्ति का तलाश है जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, अब डेवलप करे। युवाओं के लिए खासकर देखा जाए, युवा हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ के जो नज़दीकी जनप्रतिनिधि हैं, कौन से जनप्रतिनिधि युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? क्या बोलेंगे सर, बस जब जरूरी पड़ता है तो आ जाते हैं, उनके बाद अनजरूरी कारण कोई देखने के लिए भी नहीं आता कि क्या और कैसे व्यस्त होता है गाँव का जिंदगी। जब अभी नज़दीकी वोट इलेक्शन का टाइम है तो हर एक नेता अपना सुझाव या प्रभाव देने के लिए सब कोई आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक बार हुलकने के लिए भी नहीं आता है कि क्या गांव वाले को जरूरी है और क्या आवश्यकता है। हम लोग बाढ़ पीड़ित से भी इत्यादि प्रभावित होते हैं, लेकिन एक बार भी ना मुखिया आता है, ना सरपंच आता है, ना पार्षद आता है, ना सांसद आता है, ना विधायक आता है। हम लोग का बस जिंदगी कट रहा है तो कट रहा है। अभी चुनाव के समय में ज़्यादातर किस पार्टी के नेताओं का आना होता है? अभी तक तो फिलहाल में कोई नहीं आया है, बस अब देखिए कौन आता है। तो क्या विचार किए हैं इस बार? इस बार तो हम लोग का विकास विचार यही है कि जो हमारे क्षेत्र में कार्य करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा रहेगा बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, हम लोग को रोजगार चाहिए। नहीं, रोजगार आप करिए रहे हैं। अरे हम न कर रहे हैं भैया, हमारे तरह कितना बेरोजगार है इंसान है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी क्या लगता है सर, इस बार जो आपके विधायक हैं लक्ष्मीकांत मंडल जी हैं, उनका जो काम रहा है अभी तक का, वो काम से खुश हैं? लक्ष्मी मंडल जाते बाद में है, और हम सब तो भाई राजद में वोट देने। हाँ, क्लियर। क्या लगता है राजद के जो नेता होंगे वो आपके क्षेत्र में विकास करेंगे? हाँ, करते जरूर करेंगे। अभी तक राजद के कोई नेता आए हैं आपके गाँव में? नहीं हो, लेकिन तही रह सुनवाई हो। जब नए अलो छे तो केना सुनवाई हो जते? उ जे छै ने, हाँ। राजद त जो पार्टी तही रह छे हम सब, हाँ। तो बात मानी जाय छे, बात मानै छे। हां, आ लक्ष्मी तो लाइट आएगा, रहने दीजिए, लाइट आएगा। आ लक्ष्मी तो मंडल त जो बोलबो तो हम तो डरा नै छे। हम सब तो राजद ही देब हम वोट राजद का। हां, त बात अभी सबसे बड़ा चीज छे कि अखनी चुनाव के समय छे, चुनाव के समय में तोरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आना जाना केकरो? हम सब सिर्फ तेजस्वी यादव के नौजवान तो चाहे रोचे बा, युवा का युवा तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव तो हम सब चाहे रोचे युवा छे, युवा तो दे रोचे। लालू जे तरलते तरबे रे लतनो बेटा और बेटवा देखना चाहिए, चांस सब तो मिलना चाहिए।
भरोसा छो विश्वास छो कि तेजस्वी यादव ने काम करता है। हाँ तेजस्वी यादव में जान चढ़ता है, लेकिन बापन में नहीं चढ़ला बेटा जरूर चढ़ते। हाँ चलिए, तेजस्वी यादव की बात आ रही है, युवा को मौका देने के लिए सोच रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, चलिए निकलिए, थोड़ा बाहर निकला जाए। एक रन्नूचक पंचायत है, और रन्नूचक पंचायत में नेताओं का आना जी, कुछ क्या नाम क्या हुआ आपका? चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है कि आपके जो वर्तमान के विधायक हैं उनको मौका दिया जाए, उनके काम से खुश हैं या फिर जो है बदला होगा? नहीं, हम तो विधायक से भी खुश नहीं, सरकार से भी खुश नहीं, क्योंकि जो स्वास्थ्य निश्चय योजना वाला जो काम चल रहा है उसका योजना, उसमें नहीं नाली बना है नहीं रोड बना है। अभी अगर दी आपको अगर दी है कि सबूत चाहिए, चलिए आप स्पॉट पे देख लीजिए। खैर, ये तो प्रदेश स्तर की बात ने आपने कर दी, लेकिन हम क्षेत्रीय आपके क्षेत्र की बात करेंगे। आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है, जदयू के विधायक हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार हम लोग का? तो अभी जैसे विकलांग पेंशन है, वो भी अभी 3-4 साल से नहीं मिला है। इस काल दिव्यांग है जी, तो फिर आपको पेंशन वगैरह नहीं मिल रही? पेंशन मिल नहीं रही है, पेंशन बना हुआ है लेकिन मिल नहीं रही है। ऐसा क्यों? अब क्यों पता नहीं लग रहा है, बोलता है ब्लॉक से, बोलता है कि खोजेंगे देखेंगे करेंगे, ऐसे बोलता है। वीडियो सब यही बात करता है कि पटना भेज दिए हैं तो वहाँ से आएगा तो देंगे, ही करेंगे वो करेंगे। कितने महीनों से आपको पेंशन नहीं मिला है? तकरीबन 44-45 महीने हो गया। 44-45 महीने से, जबकि सरकार यह दावा करती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, की दिव्यांगों के लिए सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है, दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं, ये सब बकवास है। सरकार की जितने भी है योजना वगैरह जो अभी, सब सारे बकवास है हमारे हिसाब से। आपके क्षेत्र में इस बार जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, नाथनगर विधानसभा में आप पढ़ते हैं, आते हैं, निवासी हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से कुछ प्रत्याशी जैसे लोजपा से जो है अमर कुशवाहा जी हैं, जदयू से वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं वो लक्ष्मीकांत मंडल जी हैं, वही इस बार जदयू से हैं, उसके बाद राजद से जो है सिद्दकी जी हैं, और बसपा से डॉक्टर अशोक कुमार आलोक जी हैं, तो इन सबों के बीच बेहतर किसको मानते हैं? अभी तो देखिए, जैसे यहाँ लोजपा से जो है वो भी न्यू है हम लोग के हिसाब से, और आरजेडी का भी जो है न्यू है, और जो लक्ष्मीकांत मंडल जदयू से हैं वो तो हम लोग के बगल में है, 2-4 किलोमीटर है, वो भी तो हम लोग के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। बसपा से अशोक कुमार आलोक जी हैं? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है, चलिए और भी कुछ लोग हैं। चाचा, क्या लगता है इस बार जो है विधायक आपका काम किए हैं या फिर बदलाव होगा? हमरा ये सब की बोलवे हो तो तोरा जे विधायक छ काम करलो छ वो काम नहीं कर रहा जाए दिन तक लक्ष्मीकांत एकदम चीन छे, पुरानी सरकार ढाबूल हर कम छे बिहारी पुरोरा इतनो बगल में छे तब ने आबे छे। हां एकदम ने कभी अइले नै छे, अइले नै ना, को घटनो घटे छे देखल नै आबे छे। या तोरा जाक सुलझा दिए, समझा दिए, वो करल नै आबे छे। तब की करबो अबरी बार? अबरी बदली होते रिटायर होते, वो अबरी रिटायर होते ने। हां अबरी रिटायर। चलिए, रन्नूचक का ये रन्नूचक पंचायत का ये जो है नवटोलिया गांव था, गांव है, और मेरी भी कोशिश थी कि यहाँ की जो बातें हैं विधानसभा चुनाव में किनकी चर्चा है, लोगों की क्या समस्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, बदलाव होगा या फिर मौका देंगे, ये सारी जुड़ी बातें, जहाँ खासकर जमीनी स्तर पर जो चर्चाएं होती है, जमीनी स्तर पर जो बातें होती है, मेरी कोशिश रहती है कि वो हकीकत, वो जमीनी बातें आप तक पहुँचे। अगली बार फिर भी हम जो है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के किसी दूसरे पंचायत के गांव में होंगे, जनता के बीच होंगे, जनता की क्या समस्या है, यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं उनका कार्य क्या रहा है, उनके कार्य से लोग खुश हैं नहीं, तमाम जो है ये जुड़ी बातें हम आप तक पहुँचाएँगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।